समूचे देश सहित प्रदेश और खरगोन जिले में भी कोरोना त्रासदी से कोहराम मचा है। अभी भी ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो लॉकडाउन के नियमों को ठेंगा दिखाकर लोगों की जान से खेल रहे हैं। खरगोन में पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन में है। कोरोना महामारी में भी आम जनता के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर ड्यूटी कर रही पुलिस लापरवाही करने वालों के खिलाफ अब कार्यवाही में तेजी ला रही है। खरगोन जिले में भी पुलिस के आला अफसर सड़कों पर उतरकर कोरोना सुरक्षा नियमों का मखौल उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रही है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया, टीआई प्रकाश वास्कले सहित अफसरों ने स्वयं सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की। इस दौरान ऐसे वाहनों पर भी कार्यवाही की गई जिन पर अनाधिकृत रूप से पुलिस प्रेस लिखा था। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना काल के विपरीत परिस्थितियों में उन आम जनता की सुरक्षा के साथ साथ अपने जवानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। इसके लिए पुलिस चिकित्सालय में कोविड सेंटर भी शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करने की समझाइश दी गई है। एसपी शैलेंद्र सिंह ने आम जनता से भी घर में रहने, मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। खरगोन से ब्यूरो अनिल पांडे की रिपोर्ट। सर, यहाँ जो चेकिंग की जा रही है उसमें कुछ सख्ती नजर आ रही है, कुछ विशेष कारण? नहीं, देखिए क्या है कि लॉकडाउन अभी जैसा आप लोगों को मालूम है कोरोना कर्फ्यू जो है वो आगे बढ़ गया है और संक्रमण जो है वो अभी भी काफ़ी उसकी संख्या आ रही है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जो कर्फ्यू के जो दिशा निर्देश हैं तो उनको पहले भी इम्प्लीमेंट करा रहे थे, अभी भी हम लोग उसको और इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और फील्ड में निकल निकल के जो लोग हैं उनको समझाइश भी दी जा रही है, साथ में उन पे जो ज़्यादातर घूमते हुए बिना बात के दिख रहे हैं तो उन पे जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे लोगों को थोड़ा ये मैसेज जाए। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी लोग आप लोगों को देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि अभी इसको बड़ी गंभीरता से लें वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, और बिल्कुल जब बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अनावश्यक घूमने फिरने बिना किसी कारण या कुछ भी करने के बाहर मत निकले। देखिए, आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, पुलिस को हो सकता है आप सोच रहे हो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बीमारी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसलिए सब अपना ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं और स्वस्थ रहें। सर, ये कुछ वाहन देखे गए जिन पर गलत संकेतक लगे, किसी पर पुलिस लिखा है, किसी पर एडवोकेट लिखा है, किसी पर पत्रकार लिखा हुआ, क्या ऐसे वाहनों की जाँच? नहीं नहीं बिल्कुल सभी वाहनों की जाँच हो रही है। अभी आपके सामने जो है इस तरह के जो भी लगाए हुए हैं, कोई भी हो, पुलिस हो, एडवोकेट हो, प्रेस हो या जो भी लिखा हो उस पर, उन सभी की जांच की जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग जो अपने आप को कहीं का कर्मचारी बता के भी 3-4 बार यहाँ से खुद ही निकल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी रोक के उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरा वेरीफाई किया जा रहा है कि जिस काम से वो निकले हैं वो वाकई में वाजिब है कि नहीं है। हो सकता है कि कोई इस तरह की गाड़ी में जेन्युइन आदमी भी हो जो जेन्युइन बीमार है या कुछ उसको आवश्यकता है, लेकिन अगर कोई फालतू में केवल इसके लिए निकल रहा है कि वो बच जाए तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक महती जिम्मेदारी है इस समय मध्य प्रदेश पुलिस पर, खरगोन जिले में वो जिम्मेदारी आपके नेतृत्व में निभाई जा रही है। इस दौरान एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुलिस कर्मचारी जो हैं इनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कोई विशेष निर्देश आपके द्वारा? देखिए, पुलिस वालों को हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और चेकिंग के टाइम उनको डबल मास्क लगाना है, कई लोगों को जो थोड़े संपर्क में आने की संभावना ज़्यादा है उनको फेस शील्ड वगैरह, ग्लव्स वगैरह, इन सब का भी बताया गया है। साथ साथ उनको क्योंकि आप देख रहे हैं कि गर्मी भी बहुत है, दोपहर में भी उनको काम करना पड़ता है, तो ऐसे में उनको जो ड्रिंक्स वगैरह हैं एनर्जी के लिए जो ORS वगैरह इस तरह का भी उनको दिया जा रहा है, छाछ वगैरह भी दी जा रही है ताकि उनको फ्लूइड्स की कमी ना हो। साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे साथी कर्मचारी यदि संक्रमित होते हैं तो उनके लिए भी हम लोगों ने पुलिस लाइन में जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था की है कि ताकि उनको वहाँ पे एडमिट किया जा सके और उनको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।